आखिरकार नीट रिजल्ट में एनटीए ने अपनी गलती मान ली है और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है। 23 जून को उनका एग्जाम दोबारा कराया जाएगा और 30 जून से पहले पहले उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ना, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं आया है। जिस दिन काउंसलिंग शुरू होनी है उसी दिन होगी, लेकिन जो रैंक लिस्ट है ना बच्चों की, वो एनटीए दोबारा जारी कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको चलिए वीडियो में दिखा देते हैं कि जो फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे हैं उनका क्या कहना है और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान उनका क्या कहना है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिस हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1,550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीटफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फेक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं, अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है। और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1,563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1,563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया, और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने किसी भी तरह का पेपर लीक ये मानने से इनकार कर दिया है, बस उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे अब उनका स्कोर कार्ड कैंसिल हो गया है, अगर वो दोबारा आने वाले एग्जाम में शामिल नहीं होते, यानी कि 23 जून को री एग्जाम का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो उनको पुराने वाले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी कि ग्रेस मार्क्स से पहले जो उनके मार्क्स थे ना उसी के आधार पर उनका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा। इस पर लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल NBT TechEd से बने रहिए।